हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट बाय निधि यूट्यूब चैनल। सो आज हम बहुत ही सिंपल रंगोली बॉर्डर्स बनाएंगे, ये जो कलर का कोन बनाया है उससे। तो ये प्लास्टिक बैग में से कलर का कोन बनाया है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पेस्ली शेप से। तो आपको इस तरह से होल्ड करना है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो होल्डिंग टेक्निक आपको पता चल जाएगा। और इस तरह से इसको हमें मूव करना है। इस तरह से आप ऊपर करोगे तो कलर निकलना स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप नीचे की साइड बेंड करोगे तो वापस कलर निकलेगा। जैसे ही आप स्टॉप करोगे तो कलर स्टॉप हो जाएगा। तो आपको जितना ज़्यादा निकालना हो उस हिसाब से आपको ये बेंड करना होगा। अब मैं यहाँ से दूसरा पेस्ट्री शेप ड्रॉ करूँगी। इस तरह से जैसे ही शेप ड्रॉ हो जाता है मैं तुरंत ही ये जो कोन है पॉलीथीन है उसको ऊपर की साइड कर देती हूँ। फिर जैसे ही वापस ड्रॉ करना होता है आपको कोन को थोड़ा सा बेंड करके शेप ड्रॉ करना है। फिर यहाँ से हम वापस स्विल्स पैटर्न क्रिएट करेंगे इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा पॉलीथीन जो है ऊपर की साइड लेंगे इस तरह से। इसका बेनिफिट यही है कि आप क्विकली बहुत सारी लंबी पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हो अब तीसरा पेस्ट्री शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी, वो हम इसके रेफरेंस से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फिर वापस हम ऐसे ही कई सारे पैरेलल शेप्स बनाएंगे। पहले आप नीचे करो, फिर जैसे ही शेप ख़त्म हो आप इसको ऊपर कर दो। अगर आपके घर के बाहर मरून कलर या तो फिर रेड कलर की टाइल्स है तो वाइट या येलो कलर से ये पैटर्न्स बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेस्ट्री शेप हम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। सो ये बहुत ही बेसिक डिज़ाइन थी। ये डिज़ाइन का पर्पस यही है कि कैसे आपको पॉलीथीन पकड़ के डाउन करना है एंड अप करना है। सी अगेन, ये मैंने डाउन किया, अभी डाउन है, अब धीरे धीरे मैं अप करूँगी तो स्टॉप हो जाएगा। सिमिलरली डाउन है तो अभी ड्रॉ हो रहा है, जैसे ही ड्रॉ दौड़ना ख़त्म हो जाए मैं अप कर दूँगी इस तरह से। फिर यहाँ से हम इस तरह से इसको वापस जॉइन करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होने वाला हो हम धीरे धीरे इसको ऊपर कर देंगे। तो ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना।